हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइफ दैट इज मेधास लाइफ। तो आज थोड़ा रिलैक्सिंग डे है, तो आज थोड़ा सा चिल मारते मारते काम कर रही हूँ। मतलब काम का प्रेशर कम है थोड़ा सा। तो अभी मैंने क्या करा है कि मैंने अपने पैरों में डिटेनिंग क्रीम लगा लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सी, तो ये मैंने डिटेनिंग क्रीम लगा लिया है, और डिटेनिंग क्रीम जो थी ये वाली थी, ये टैंड करके डिटेन ब्लीच क्रीम विद मिल्क एंड हनी। तो ये क्रीम लगाया क्योंकि मेरे ना टैनिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा पैरों पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज टाइम है थोड़ा चिलैक्स वाला देना। चिलैक्स वाला, नॉट रिलैक्स वाला, थोड़ा चिलैक्स वाला। तो इसीलिए ये लगा ली क्रीम। ये मुझे 15 मिनट लगा के रखनी है। तो अभी टाइम हो रहा है, यस 10:40 ऑलमोस्ट। यस 10:40 हो रहा है ऑलमोस्ट। अभी 10-15 मिनट रखना होता है, इसमें लिखा हुआ है आई थिंक 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स का लिखा रहता है इसमें। तो वो ही रखूँगी थोड़ी देर, 10 to 15 मिनट्स रखूँगी, और उसके बाद फिर क्लीन कर लूँगी, नहाना धोना सब करूँगी। आज मैं रिलैक्स बैठी हुई एकदम, ज़्यादा झमेला नहीं कर रही। और ये मैंने ये लोकल स्टोर से ही ख़रीदा था यहाँ से। तो वो दीदी ने मुझे बोला था कि आप, मैं O3 का एक्चुअली डिटैनिंग वाला देख रही थी, बट शी सेड कि आप ये ट्राई करके देखो, ये भी O3 जैसा ही है और महंगा भी नहीं है ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं कि ये, मतलब वो बोली कि ये हमारा जो है, हमारे स्टोर पे सबसे ज़्यादा डिटैनिंग के लिए यही वाली क्रीम बिकती है। मैं कहा ठीक है, मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। मुझे वैसे भी डिटैनिंग सिर्फ पैरों पे ही करनी होती है, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो ये कर लिया मैंने, क्योंकि तो बाकी जगह पे तो मैं जनरली फेस पैक लगा लेती हूँ, और पहले ये करती थी। आजकल तो खैर फेस पैक भी लगाना मैंने कम कर दिया है, क्योंकि मेरी उससे स्किन ड्राई आउट हो जा रही थी, तो मैंने लगाना ही छोड़ दिया फेस पैक भी। तो फेस पैक लगाना छोड़ दिया है, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब थोड़ी देर बाद आप लोगों से रेडी होकर फिर मिलती हूँ, नहा धो के रेडी होकर। तो अभी मैं नहा धो के सब रेडी हो चुकी हूँ। इस वाली लिपस्टिक का स्वाच यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत जल्दी डल जाएगा। आज मैंने हल्का सा ये लिपस्टिक मेरे हाथ में लग गई थी, तो मैंने यहाँ ना हल्का सा लगा लिया एज अ ब्लश, यही वाला शेड, सेम शेड। लेकिन और आज पसीना ज़्यादा आ रहा है। आज मैंने रिवर्स प्रोसेस करा। आज मैंने क्या करा, टोनर लगाया, सिरम लगाया है, अभी मॉइस्चराइजर लगाया ही नहीं, क्योंकि आज ह्यूमिड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना। तो आज मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, माइट भी थोड़ी देर बाद मैं लगाऊँ। तो अभी जैसे ही पसीना सब सूख गया, अब मुझे इधर वाले एरिया में ड्राइनेस फील होनी स्टार्ट हो गई। ये चीज़ में यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है, बट ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये एरिया मेरा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है, इसमें सबसे जल्दी मुझे ड्राइनेस पता चलती है। तो अब मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा है मिक्सी साफ़ करने के लिए, बहुत दिनों से पेंडिंग हो जा रहा था, मिक्सी को साफ़ करना रह ही जा रहा था, और उसमें बहुत गंदगी जम चुकी है। तो इट्स हाई टाइम टू क्लीन द मिक्सी। मैं दिखाती हूँ आपको, ये हो गया, काला पड़ गया, मतलब बनाओ ना तो थोड़ा से रह जाता है, तो वो जम जाता है ना पोंछने के बाद भी कुछ, तो वो हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, कॉलिन डाल के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, कॉलिन उसमें स्प्रे करके। वैसे मिस्टर मसल सबसे बेस्ट रहता है, या वो किचन की चिकनाई वगैरह के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो अभी मैं पूरे में कॉलिन डाल के रख दे रही हूँ, 1 घंटे बाद जब साफ करूँगी तो आई थिंक काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। आगे काफी टाइम से नहीं क्लीन कर पाई थी मैं, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज सोचा मैंने इसको पूरा क्लीन कर ही दूं अच्छे से।
चारों तरफ से। ये कर दिया है, अब उसको 1-1.5 घंटे ऐसे ही रखे रह लूँगी, फिर उसको अच्छे से क्लीन करूँगी वेट वाइप से। अब पुराने गंदे कपड़े हैं, मतलब पुराने कपड़े जो है फट गए हैं, रुमाल वगैरह दुपट्टा वगैरह रखा हुआ है मेरा एक्स्ट्रा, उससे मैं क्लीन कर दूँगी पहले, फिर देन उसके बाद वाइप से अच्छे से साफ कर दूँगी, तो फिर चमक जाएगी मेरी मिक्सी। उसका एक तो जार भी ख़राब हो गया, तो वो जार तो मैंने ठीक करने के लिए दे दिया है, तो वो ठीक होके आज आया था राजू लेकर, उसको ठीक करवाने के लिए दे दिया था मैंने राजू को, तो राजू लेकर आया था उसको, बट वो क्या हुआ है ना, उसने जो फिटिंग करी नीचे से उसका वो जार का वो टूट गया था, ब्लेड के पास का कुछ रहता है ना फ्रेम जैसा, तो वो चेंज होना था, तो क्या हुआ है कि वो जो लेके आया था चेक करा तो वो फिट नहीं हो रहा था उस पर, तो वो फिर से लेके गया उसको ठीक करवाने के लिए, तो मुझे लगता है कल या परसों तक आ जाएगा वो ठीक होके, तो तब तक मैं वो चॉपर है मेरे पास, चॉपर यूज़ कर ले रही हूँ। मिक्सी में क्या होता है ना कि टमाटर प्याज का पेस्ट करो तो अच्छे से पेस्ट हो जाता है, या वाटरमेलन जूस बनाओ तो वो भी अच्छे से बन जाता है, लेकिन चॉपर में वाटरमेलन जूस अच्छे से मैंने बन सकता पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने ट्राई नहीं करा, ट्राई करके देखना पड़ेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन ये सब चीज़ अच्छे से हाँ चॉप कर ही जा सकते हैं टमाटर प्याज को अच्छे से। मिक्सी क्लीन करना स्टार्ट करूँगी, लेट मी जस्ट एडजस्ट द कैमरा फर्स्ट। पहले तो ये पुराना वाइप्स है, पहले तो इस पुराने वाइप्स से मैं पूरा क्लीन कर दूंगी इसको, पहले बाहर का बॉडी, सीजर नो फोन मेरा गिर जाता अभी इसको क्लीन करने के चक्कर में। तो अब पहले पूरा रगड़ के साफ कर लेती हूँ, नहीं तो अभी भी जैसे फ़ोन गिरा था वैसे गिर जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा हुआ है, अगर बीच में कुछ नया चीज़ कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगी इसके साथ तो वो भी बता दूँगी मैं आपको। वैसे एक बार और कॉलिन ही स्प्रे मारूँगी अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ अभी काफ़ी गंदा है, और मैं बाहर का आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बाहर की तरफ का काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, ये सब रहता है, ये आई थिंक प्लास्टिक है, देखना पड़ेगा क्या है, वो पूरा साफ़ हो चुका है, अंदर का गंदा था, यहाँ पर एक बार और कॉलिन लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये साफ़ हो चुका है, पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया, अंदर से भी साफ़ हो चुका है, ये साइड से ये ताक पड़ गया है शायद, ये नहीं निकल रहा है, लेकिन क्लीन मैंने जो वो मतलब ब्लैकनेस हो गया था और ये हल्दी का दाग पड़ गया है, तो ये सब मैंने पूरा साफ कर दिया है पूरा अच्छे से, और अब इसको मैं उसकी जगह पे ही रख दे दूँ। एंड इसके ऊपर मैंने ये चॉपर रखा हुआ था, क्योंकि अभी उसका जार ठीक होने के लिए गया हुआ है, तो इसलिए अब एक दिन मुझे ये कॉर्नर में भी देखना पड़ेगा कि क्या सामान एक्स्ट्रा है क्या नहीं है। बहुत सारी कांच की बॉटल्स हो चुकी हैं, ये आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गई हैं कांच की बॉटल, तो इनको मैं हटा ही दूंगी सोच रही हूँ, लेट्स सी कि क्या करती हूँ। लेकिन अब मैंने अपना वो क्लीन कर दिया है, अभी डिनर विनर कुछ नहीं बनाया, बैंगन की सब्जी रखी हुई थी, जैसे आलू बैंगन की सब्जी खा लेता, मेरा रोल खाने का मन कर रहा था तो मैंने रोल मंगवा लिया अपने लिए, वो खाऊंगी
और शाम को मैंने लिपस्टिक दोबारा लगाई थी। हमारा ऐसा प्लान था, किसी ने बोला था कि कहीं चलेंगे नीचे, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है ना कि कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, आँखों में बहुत पेन हो रहा है गर्मी की वजह से। तो मैं रेडी हो गई थी लिपस्टिक लगा कर, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं जा रहे कहीं भी, प्लान ड्रॉप हो गया। और अभी घर में बैठे हुए हम लोग, ऋषि फ़ोन पर बात कर रहा है किसी से, वो बाहर है, मैं भी रूम के अंदर हूँ, बेडरूम में हूँ, सीज़र भी यहीं बैठा हुआ है। सीज़र, वो खाना आ चुका है, मेरा रोल आ चुका है, तो इसीलिए भौंक रहा है वो। छना कौन आला, कौन आया, कौन आया सीज़र, बू पाओ 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 पाओ। ये आ गया है हमारा रोल। हैं? क्यों ऋषि, सुबह तुम ही पानी भरोगे ये सोच। तो अभी खाना पीना सब कुछ हो चुका है और अब मैं सोने जा रही हूँ। यहाँ ऋषि लेटा हुआ है, सीजर भी लेट गया है, हम लोग सो रहे हैं, गुड नाइट। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ और आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करेगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करेगा। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।